Hey guys, welcome back to the channel. This is Vilava Sahil. I hope you guys doing absolutely fine. So guys, आज हमारा लाट पंचर का लास्ट डे है एंड अभी हम हमारा जो ये होम स्टे है इसे अभी चेकआउट करने वाले हैं यहाँ से एंड इसके बाद अभी हम लोग जाएंगे सीधा पहले आहलधारा वो घूमेंगे फिर जिस रूट से आए हैं वहाँ से नहीं जाएंगे मतलब कालीझोरा होके नहीं लौटेंगे इसके बाद हम जाएंगे कश्यंग होके रोंगटोंग रूट होके वहाँ से थोड़ा रूट अच्छा बढ़ता है वहाँ से होके सिलीगुड़ी होके फिर हमारे शहर की ओर रवाना हो जाएंगे तो चलो फिर मिलते हैं एंड आज का जो व्यू है बहुत अच्छा होने वाला है तो बने रहो बस। सो फाइनली होटल के चेकआउट के प्रोसेस के बाद अभी हम लोग निकल चुके हैं आहलधारा की ओर एंड एक्चुअली हुआ यूं कि पिछले ब्लॉग के शूट के टाइम मेरा हेलमेट का जो माइक का एडाप्टर था वो किसी कारण शायद कोई इशू के दौरान ख़राब हो चुका था एंड उसमें कोई भी इनपुट नहीं आया सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड हुआ तो मुझे फिर से ये वॉइस ओवर के थ्रू फिर से रिकॉर्ड करना हो रहा है। सो ऐसे इशू होते रहते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है जब शूट लेके घर पे आके आप एडिट करते हो। तो यहाँ पर ये जो मोर आप देख रहे हो यहाँ से मैंने पिछले ब्लॉग में भी कहा था आप यहाँ से जो सीधे देख पा रहे हो वहाँ पर आप सेबक की ओर लेफ्ट साइड की ओर अगर जाओगे तो कश्यंग एंड अगर आप टर्न लेके पीछे की ओर आ रहे हो इस साइड की ओर जहाँ पर मैं जा रहा हूँ सो राइट की ओर आप लटपंचर जा सकते हो एंड सीधा आहलधारा का गेट है। यहाँ पर सामने जो ये लकड़ी का घर देख रहे हो यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा, टिकट लेके आप अंदर की ओर जा पाओगे। अभी बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं रैश ड्राइविंग करता हूँ लेकिन एक्चुअली मैं ऐसा नहीं है, मैं रैश ड्राइविंग को प्रमोट नहीं करता किसी तरफ से लेकिन क्या है मैं जितना ड्राइव करता हूँ ये मेरे कैपेबिलिटी के अनुसार मैं चलाता हूँ। अगर आप मुझे कॉपी करना चाहते हो तो आप गलती करते हो, आप उतना चलाओ जितना आपके कैपेबिलिटी में आता है। तो अभी तो हम आहलधारा में आ चुके हैं एंड मैंने मेरी बाइक को यहाँ पर पार्क कर दिया है। अभी हम चलते हैं ऊपर की ओर, यहाँ पर सारे लकड़ी के घर एंड वहाँ पर व्यू पॉइंट्स है। लाटपांचा से आहलधारा ज़्यादा दूर नहीं है, एक्चुअली ये 5 से 6 किलोमीटर होता है इसलिए हम लोगों को यहाँ पे आने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई एंड यहाँ के जो उस ट्रोल से लेके मतलब वहाँ पर जो जहाँ से हमने टिकट लिया वहाँ पर आप लोगों को 10 रुपये से टिकट मिल जाएगा एंड वहाँ से इस स्टॉप में आने तक जो एक ऑफ रोडिंग एडवेंचर ये रोड है वो गज़ब का है। अभी यहाँ से जो 360 व्यू मिलने वाला है वो गज़ब का है लेकिन इतने ऊपर तक आने के बाद सांस फूलने लगती है एंड आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आहलधारा में आप लोगों को टेंट मिल जाएंगे रहने के लिए एंड ये वुडन जो रूम है वो मिल जाएंगे। एक्चुअली हम लोगों का प्लान था लटपांचर में नहीं इन रूमों में रहने का लेकिन क्या हुआ था कि ये रूम 3 महीने पहले बुक हो जाते हैं तो आप लोगों को बुक करने से पहले बहुत दिन पहले इसका प्रिपरेशन लेना पड़ेगा इस रूम में रहने के लिए, नहीं तो यहाँ पर टेंट हर समय अवेलेबल होता है जब भी आओ। लेकिन हम लोगों को क्या था, चार्जिंग चार्जिंग करना था अपने कैमरा से इसलिए होम स्टे बेटर है। तो एक्चुअली क्या है कि लाटपंचर एंड यहाँ के आहलधारा के जो रूम्स के जो ओनर हैं पादुंग गुरुंग जी उन लोगों उनको हमने फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि आप लाटपंचर में रह जाए क्योंकि वो होम स्टे भी हम लोगों का ही है इसलिए हम लोग वहाँ पर रह गए। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम आहलधारा में नहीं रहे एंड लाटपंचर में रहे लेकिन पास में ही है तो ज़्यादा दिक्कत की कोई बात नहीं हुई एंड दिस इज़ द व्यू। सो गाइस यहाँ से चट्टान के ऊपर से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इस नीचे की ओर भी आप लोगों को आहलधारा के कुछ नए रूम्स मिल जाएंगे, ये नए बने हैं एंड यहाँ से जो व्यू दिख रहा है
वो गज़ब का है। एक्चुअली यहाँ से पूरा 360 व्यू दिखता है, लेकिन क्या है अभी क्लाउड्स है एंड मार्च महीने में ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि इन पहाड़ों में मार्च और अप्रैल में बारिश होती है। इसके वजह से अप्रैल में फिर भी किस्मत से मिल जाता है कि स्काई आप लोगों को क्लियर मिल जाएगा, लेकिन मार्च के वक्त आप लोगों को ऐसे ही मिलेगा। सो अगर आप लोगों को पूरा ब्लू स्काई एकदम पूरा 360 व्यू अच्छे से देखना है ना, तो आप लोग आओ एटलीस्ट नवंबर में। नवंबर इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट एवरी व्यू पॉइंट्स। सो क्या है कि नवंबर दिसंबर जनवरी तक भी चल जाता है। जनवरी में क्या होता है थोड़ा ज़्यादा ठंड रखता है एंड कभी कभार क्या होता है किसी किसी टाइम पर बहुत ज़्यादा फॉग आ जाता है, तो बेटर है मैं रेफ़र करूँगा कि अक्टूबर से अक्टूबर के एंड में या पूरे नवंबर में आओ, बहुत बेटर होता है। सो दोस्तों अभी हम लोग आहालहरा की जो मतलब आखिरी छोर है वहाँ पर जाने वाले हैं, और वो जगह है वहाँ पर एकदम पिक एक जगह है जहाँ से आहालहरा का यहाँ का नीचे का पूरा व्यू दिखता है, यहाँ से कशंग सिटी दिखता है पूरा। सो चलो चलते हैं। अभी मुझे पता नहीं कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टीफ है नीचे की ओर। बहुत ज़्यादा स्टीफ है। तो अभी मैं जो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, मुझे पता नहीं कि कैमरा वो जस्टिफाई कर पाएगा या नहीं, लेकिन आप लोग ज़रूर देखिए इसको। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, बस खाई है। This is the view of Aldhara. दोस्तों आप लोगों को गहराई समझाने के लिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कितना गहरा है। इट्स अमेजिंग व्यू, बट ये आप करने की कोशिश मत कीजिए, ये बिल्कुल सेफ नहीं है। सो दोस्तों आहालहरा का जो व्यू था वो कमाल का है, अब ज़रूर आइए इस जगह पे एंड थोड़ा एडवेंचर कीजिए, लेकिन वो जो व्यू पॉइंट है आहालहरा का वो थोड़ा सोच समझ के जाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो बाकी ये जो बाकी व्यू पॉइंट्स है इस आहालहरा के ऊपर, वहाँ पर फ़ोटो वोटो खींचे, बहुत अच्छी जगह है, स्टीक कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक एडवेंचर मिलेगा आप लोगों को एंड आप लोग कैंपिंग कर सकते हैं, बॉनफायर मिलेगा यहाँ पर आप लोगों को रात को। सो इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से उतरते हुए कशंग की ओर। कशंग से जाने से जो रूट पड़ता है वहाँ पर एक मॉनेस्ट्री है जो लाटपांचर एंड आहालहरा का बहुत पुराना एक ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री है। सो हम लोग वहाँ पर देखेंगे, अगर खुला हो तो आप लोगों को दिखाएंगे, नहीं तो कशंग की ओर बढ़ के सिलीगुड़ी चले जाएंगे। चलो गाइस, सामने जो आपको ये ग्राउंड देखने को मिल रहा है इसका नाम है नामथिंग पोखरी, बहुत ही बेहतरीन जगह है।
अगर आपको देखना है तो आपको आई बटन में इसका वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल में जाके बाद में देख सकते हो। बड़ी कमाल की जगह है, कहूँगा तो समझोगे नहीं, वीडियो देखना समझ जाओगे तब। एंड अभी तो हम आ चुके हैं वो ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री, वो जो हमारे राइट साइड पे है। तो यहाँ से हमें थोड़ा नीचे की ओर उतरना है मोनेस्ट्री की ओर जाने की ओर, तो चलो चलते हैं फिर उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो गाइस ये है लतपंचर आहल धरा के सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री में एक, एंड ये कम से कम 104 साल या 6 साल पुराना है, क्योंकि देख के समझ आ रहा है पूरा ढह चुका है ये वाला मोनेस्ट्री। एंड यहाँ पर अभी मिट्टी के जो बने हुए घर हैं वो देख के समझ आ रहा है, लेकिन शायद अंदर से बंद है और शायद हमें जाना भी नहीं चाहिए। एंड यहाँ पर लिखा है वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री शिटोंग वन। सो अच्छी जगह है, थोड़ी हिस्टोरिकल टाइप की। सो अभी हम लोगों को शायद निकलना चाहिए यहाँ से। तो गाइस यहाँ पर आपको एक मोड़ मिलता है जहाँ से ये रास्ता दोनों साइड पे डिवाइड होता है। ऊपर की ओर अगर आप जाओगे तो आप क्रिश्चियन की सिटी में पहुँच पाओगे, एंड अगर आप सिलीगुड़ी की ओर जाना चाहते हो तो नीचे जाना होगा जो रॉन्गटोन रोड से होके जाएंगे। मैंने आप लोगों को रूट इसलिए बताया क्योंकि आप लोग अगर इस रोड से जाते हो तो कन्फ्यूज़ ना हो, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन बोर्ड तो है नहीं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर तो फिलहाल बताने लायक और कुछ नहीं है, तो आप लोग विजुअल्स को मजा लो, एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए एंजॉय द विजुअल्स।
हम लोग आ चुके हैं शिव खोला के, यहाँ पर काफी पॉपुलर एक जगह है। यहाँ से राइट साइड पे आप लोगों को रहने के लिए टेंट मिल जाएंगे। कभी वक्त होगा तो इस जगह पे ब्लॉग जरूर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी जो ये शिवखोला टेम्पल है, यहाँ के ब्लॉग्स आप लोगों ने शायद देखे होंगे, अगर नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, काफ़ी पॉपुलर एक ब्लॉग है। एंड अभी हम लोग आ चुके हैं रोंगटोंग रोड के यहाँ पर। अभी यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा ब्रेक लेना है क्योंकि सुबह से बाइक चला रहे हैं। इस ऑफ रोड में बहुत ही मतलब गंदा रोड था। लंच कर लेते हैं फिर निकलते हैं। सो राइट नाउ वी आर इन सुखना फॉरेस्ट। अभी यहाँ से हम लोगों को जाना है सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से अपने घर। सिलीगुड़ी में रुकना नहीं है क्योंकि नहीं तो फिर और लेट हो जाएंगे। वैसे भी ये कशियां के चक्कर पे बहुत लेट हो चुके हैं, तो और लेट नहीं करते क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते फिर 4 साढ़े 4 बज जाएंगे। फिर भी फ्रेश भी होना है, अभी बहुत टायर्ड लग रहा है। तो चलो अभी हम लोग है फिलहाल फाटापुकुर के नज़दीक, जो टोल प्लाजा ये बना है नया, तो उसके पास है। तो अभी तो मेरे जुबान से उतना कहने की ताकत नहीं है, इतना टायर्ड फील कर रहे हैं। तो अभी हम लोग घर चलते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस में बात करते हैं, ठीक है? चलो सो गाइस, अभी तो मैं फाइनली घर आ चुका हूँ एंड नहा धहा के फ्रेश होके अभी बहुत बेटर लग रहा है। अभी टाइम हो रहा है 4:53। घर आया था 4 बजे के समय। सो हमने जब हमारा जो होटल से चेकआउट किया था, तब वक्त होगा अप्रॉक्स 10 बजे एंड 4 बजे हम घर पहुँचे। तो ये पूरा समय बहुत ही अच्छा था। एंड एक्चुअली हम लोगों ने लाटपंचर से आहल धरा, आहल धरा से कश्यम होके सिलीगुड़ी से हमारे शहर जलपाईगुड़ी पे आए, इसलिए ज़्यादा समय लगा। क्योंकि अगर फिर से वो सेवक कालीझोरा होके आते तो शायद और भी जल्दी 2 बजे तक आ जाते, क्योंकि कश्यम भी गए थे इसलिए 2 घंटा एक्स्ट्रा लग गया। एंड कश्यम से जब हम रोंगटोंग रोड पे गए, वहाँ पर शिवखोला होके आए, इसके वजह से बहुत ज़्यादा ऑफ रोड मिला हम लोगों को। बाकी तो ये जो 3 दिन हम लोगों ने गुजारे थे बहुत ही बेहतरीन थे। सो बहुत मज़ा आया इन 3 दिनों में। बहुत सारे चैलेंजेस को हमने निभाया, एक्सेप्ट किए। सो आई थिंक आप लोगों को ये पूरा सीरीज़ पसंद आया होगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा आगे के वीडियोस, तो जाओ मेरे चैनल में, आप लोगों को पूरा सीरीज़ मिल जाएगा। सो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट फिर किसी जगह पे कुछ नया लेके। तब तक के लिए डू व्हाट यू वांट, माय लव फैन शवक है, बाय बाय।